السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. آج ہم سورة الأعراف ان شاء الله अल्लाह ताला के फजल व करम से शुरू करेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. आज हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से सूरत अल अराफ का तारुफ करेंगे. सूरत अल अराफ मक्की सूरत है. सिवाय आयत नंबर 163 और 170 जो बाज उलमा के नजदीक बास उल्मा के ख्याल में मदनी है. ये तवील सूरतों में से है. मक्की सूरतों में से सबसे लंबी सूरत है. आमतौर पर मक्की सूरतें छोटी होती हैं और इस सूरत की आयात की तादाद 206 है. मुसहफ में तरतीब के एतबार से इस सूरत का नंबर 7 है, यानी नजूली एतबार से, और ये सूरत स्वाद के बाद नाजिल हुई है. इस सूरत के और नाम भी हैं. आगाज में हरूफ मुकतात हैं. उसकी आयात नंबर 206 में पहला सजदा है, यानी कुरान करीम का पहला सजदा है. सूरत अराफ के और नाम भी हैं. अल अराफ क्योंकि इसमें अराफ वालों का जिक्र किया गया है और ये वाहद मुकाम है कुरान मजीद का जहां पर अराफ वालों का जिक्र मिलता है. इसमें अल मीकात, इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से मुलाकात का जिक्र किया गया है. अल मीसाक, वो अहद जो अल्लाह ताला ने बनी आदम से लिया था, इसका जिक्र है. इस एतबार से भी ये सूरत खास है क्योंकि ये जिक्र इस सूरत में वाहद आया है. सूरत का जो बुनियादी मजमून है वो हक व बातिल की मार का अराई के दरमियान मौकफ का तायन करना है. अरबी जबान में कहते हैं असरा बैन अल हक वल बातिल, हक और बातिल के दरमियान जो झगड़ा है, इंसान को कहाँ स्टैंड करना चाहिए. इसमें इंसान को क्या सूरत इख्तियार करनी चाहिए. ये सूरत इस वक्त नाजिल हुई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी तबलीग खुल्लम खुल्ला शुरू कर दी थी और ये मरहला इंतहाई खतरनाक मरहला था. इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके सहाबा कराम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ात और परेशानियाँ देखनी पड़ी थी. बाज़ औक़ात वो लोग इसमें शर्मिंदा भी होते थे. बाज़ लोग इज़ा रसाई से डरते भी थे क्योंकि जो लोग ईमान लाते उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें और मुश्किलात का सामना करना पड़ता था.
जो शख्स भी दीने इस्लाम में दाखिल होता उसे बहुत तकलीफें देखनी पड़ती। जहां पर हम मुसहफ के इतबार से तरतीब को देखते हैं तो ये सूरत अल अनाम के बाद नाजिल हुई, अल अराफ। और कहा जाता है कि ये सूरत अल अनाम की भी तफसीर करती है, यानी मजीद तफसीर करती है, यानी जो अहकाम या मजामीन हमने सूरत अल अनाम में पढ़े हैं उनको मजीद खोल कर बयान करेगी। सूरत अल अनाम में अकायद के असूल और दीन के जो बुनियादी कवायद हैं उनके बारे में मुख्तसर गुफ्तगू की गई है और सूरत अल अराफ में इसकी तफसील बयान की गई है, खास तौर पर अंबिया कराम के वाकयात के जरिए वजाहत की गई है। अलिफ लाम मीम स्वाद हरूफे मुकत्यात। अलिफ लाम मीम स्वाद जो बहुत सी सूरतों के शुरू में आते हैं, हम जानते हैं कि हरूफे मुकत्यात के कुरान मजीद में इसका जिक्र किया जाता है बगैर किसी शरई दलील के इनके माना जानने की कोशिश करने से खामोशी इख्तियार करना ज्यादा बेहतर है। हरूफे मुकत्तात के मुतल्लिक एहतियात से काम लेना चाहिए क्योंकि अहले अरब को चैलेंज दिया गया था कि तुम लोग इस जैसी किताब लाकर दिखाओ, क्योंकि वो लोग कहते थे कि ये खुद घड़ी गई है, इसलिए उनको चैलेंज दिया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम स्वाद। किताबुन किताब है ये, उनजिला उतारी गई है, इलैका आपकी तरफ, फला यकुन चुनाचे ना हो, फी सादरी का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में, हराजुन कोई तंगी, मिन्हू इसकी वजह से, ले तुनजीरा ताकि आप डराएं, बिही इसके जरिए से, वजिक्रा और नसीहत है, लिल मुमिनीन मोमिनों के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि ये किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से इसलिए उतारी गई है कि लोगों को आप इसके जरिए अजाबे इलाही से डराएं और मोमिनों के लिए ये किताब बायसे रहमत हो। इस किताब के नुजूल के ये दो मकसद हैं, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं दो मकासद को सामने रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम बस इतना है कि काफिरों को डराएं और मोमिनों को नसीहत करें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। गुमराहों के ईमान लाने की फिक्र में अपने आप को ना भुलाएं। अगर वो ईमान नहीं लाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने में तंगी महसूस ना करें, बेफिक्री के साथ तबलीग करते रहें और नतीजा को अल्लाह ताला पर छोड़ दें। इरशादे बारी ताला है, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाही वला तहजन अलैहिम वला ताकू फी ज़ैकिम मिम्मा यमकुरून, सूरत अन्नहल में। और सबर कर और नहीं तेरा सबर मगर अल्लाह के साथ, और उन पर गम ना कर और ना किसी तंगी में मुबतला हो इससे जो वो तदबीरें करते हैं। और फरमाया, ला अल्लाह का बाख़ियुन नफ्सा का अल्लाह यकूनु मुमिनीन, सूरत अश्शुरा में। शायद तू अपने आप को हलाक करने वाला है इसलिए कि वो मोमिन नहीं होते।
रब्बी फिरली वाली वालिदैया वाली मन दाखला बेतिया मुमिनम वाली मुमिनीना वल मुमिनात सुभाना रब्बी का रब्बिल इज्जते अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।